वेलकम बैक माई चैनल हुआ है मैं माई नेम इज़ प्रिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेस मार्कशीट। अभी आप कहेंगे फेस मार्कशीट इसमें क्या नया है, ये तो मार्केट में मिलता है। हाँ, मार्केट में मिलता ज़रूर है, लेकिन पर पीस 100 रुपीज़ का मिलता है और उसमें होम रेमेडी से सिर्फ 25% रहता है, बाकी सब केमिकल रहता है। जाने कितने दिनों में मार्केट में वो ऐसे ही रहता है और हम उसे कभी भी यूज़ करते हैं तो उससे अच्छा हम घर पे क्यों ना बनाएं। तो मैं आज आपके लिए 3 रेमेडी बताने वाली हूँ। एक है वाटरमेलन जो आपकी स्किन के लिए रिफ्रेशिंग देगा, एक टोमेटो जो आपकी स्किन की डर्ट को, आपकी स्किन को स्क्रबिंग देगा, आपकी स्किन में जो भी डेड स्किन है सब निकालने में आपको बहुत ही अच्छा उसमें स्क्रबिंग है। उसमें एक ब्लीचिंग इफेक्ट रहता है तो वो आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको मैं बताने वाली हूँ एलोवेरा जेल। आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, रैशेस है, रेडनेस है और कोई एलर्जी हो गई है तो उसके लिए भी एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, या आपके घर पर कुकुम्बर रहेगा या कुछ भी लिक्विड रहेगा उसको सिर्फ आपको ग्राइंड करना है और एक सीरम की दौर से फैलाना है। और मैं फेस मास्क शीट आपको लाना है। फेस मास्क शीट आपको कैप्सूल की तरह मिलेगी, मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगी कैसे फेस मास्क शीट रहती है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो इस तरह से फेस मास्क शीट आते हैं, इस तरह से मास्क आता है जो आप वेट टिश्यू से भी बना सकते हो। फर्स्ट मैंने लिया है वाटरमेलन। वाटरमेलन अपने फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है और इसमें मैंने फेस मास्क शीट डाला हुआ है। बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब होती है ये मास्क में और इस तरह से बनता है ये फेस मास्क। अब मैंने टोमेटो लिया हुआ है, टोमेटो को भी मैंने उसी तरह से ग्राइंड करके सीरम बनाया हुआ है। टोमेटो अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, स्क्रबिंग करता है। सेम मैंने टोमेटो में भी कैप्सूल यूज़ किया हुआ है जो देखो कितने अच्छे से उसमें ऑब्जर्व हो रहा है। टोमेटो बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है ये और बहुत ही यूज़फुल फेस मास्क शीट है। ये एलोवेरा जेल में मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया हुआ है। सेम मैंने इसमें फेस मास्क शील्ड डाला हुआ है। एलोवेरा जेल अपनी स्किन की ड्राइनेस, रेडनेस, कोई भी एलर्जी हो सबके लिए इफेक्टिव होता है। अभी सबसे पहले फेस को अच्छे से क्लीन करके ले लो। उसके बाद मैंने वाटरमेलन का फेस सीरम लिया हुआ है। ये सीरम आप फ्रिज में भी रख सकते हो, 2 से 3 दिन आराम से वो अच्छे से रहता है। खुलने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है। उसको अच्छे से अपने फेस के ऊपर लगा लो। अभी उसको फिक्स करने के लिए कोई भी ब्रश या हाथों से भी आप उसको सिर्फ वो सीरम अपने स्किन के ऊपर टैप टैप करो तो फेस मास्क शीट अपने स्किन के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रही होगी आपको, इस तरह से फेस को अच्छे से लगा लो और अभी 10 मिनट के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दो। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं, अभी मैं फेस मास्क शीट निकाल रही हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी रिफ्रेशिंग लग रही है, कितनी क्लीन लग रही है पहले के मुताबिक विदाउट मेकअप। तो ये रहा मेरा DIY फेस मास्क शीट।
होप सो आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को क्लिक करो, ऐसे मैं आपके लिए नए नए आइडियाज़ लेकर आऊँ। तो चलिए मिलते हैं अनदर वीडियो में, बाय।